साथियों, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। साहिल गोरखपुरी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं, हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और हम इस भाग दौड़ की बिजी ज़िंदगी में और गर्मी के मौसम में हम लेके चल रहे हैं एक और गांव की तरफ। और वाकई में जो गांव है वो गांव ही है, और वाकई में खूबसूरत गांव, खूबसूरत लोग दिखता है, कुछ भी दिखे लेकिन वाकई में गांव के लोग बहुत ही सुखमय, आनंदमय और बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास सावर नाम की एक चीज़ है, उसी के सहारे वो लोग अपने ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। और उनके पास नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं, बस थोड़ी कुछ ही चीज़ों में उनको संतुष्टि हो जाती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक, हम लेकर चलते हैं एक और गांव की तरफ। समरधीरा से आगे गोकुलपुरा गांव है, वहां पर आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये इनका मकान है, बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। चाची डेरारे कह रही हैं कि हमारे मकान तुरा दिया, ऐसा ना ही बटे ठीक बा। देख सकते हैं प्यारा सा मकान है, और बरसात के मौसम में जो झोपड़ी पड़ी है, झोपड़ी को इन लोगों ने दोबारा बना दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हम और आपके कमेंट से इंस्पायर होकर बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सकें। क्या नाम है सर? कमलेश जी हैं। और कितनी खेती लगाए हैं आप? चार। कितना हो जाता है? एक बोरा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद दिखाने के लिए। खेत बगल में खेत वगैरह है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा जो है ये लोग सब्जी यहाँ लगाए हुए हैं, उसके बाद इधर धान भी लगा रहे हैं। आपको चल के दिखाने की कोशिश करेंगे पिछले कैमरे से। आज का ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब, बाय बाय।